दोस्तों आज हम एक वीडियो कॉन कंपनी की अल्ट्रा स्लिम टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। तो ये रही अपने पास ये टीवी, अपने देख सकते हैं वीडियो कॉन कंपनी की ये टीवी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या समस्या है जिसको हम आज के इस वीडियो में सही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं पावर में। पावर में लगाने के लिए इसको हम पहले सीरीज में लगाएंगे। हमने इसको सीरीज में लगा दिया है पावर, और ये 100 वाट का सीरीज। अब 200 वाट का सीरीज हमने कर दिया इसको। अब देखते हैं, लाइट तो यहाँ पे जली है, देख सकते हैं, और हल्का हल्का अपना ये सीरीज बल्ब भी जल रहा है। ठीक है, पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर पे हमको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि पीछे साइड से अपना हम जो ऑडियो वीडियो का जैक हो उसको लगा लेते हैं, ताकि कमी हमको मालूम हो जाए कि आखिर कमी क्या है। ठीक है, तो वीडियो का लीड मैं लगा ले रहा हूँ, आवाज़ का भी लगा दिया। तो टीवी अपनी ऑन है दोस्तों, और इसमें से पिक्चर नहीं आ रहा है लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज मैं आपको अगर सुनाना चाहूँ तो प्रॉब्लम दोस्तों अपने को देखने को मिल गई है कि नो पिक्चर प्रॉब्लम, मतलब पिक्चर की समस्या है। ठीक है, पिक्चर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और इसको सही करते हैं। ठीक है, माइक नहीं फंस रहा यार। ठीक है, तो पीछे से मैं लीड निकालता हूँ टीवी का, और टीवी को फटाफट से ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या समस्या है जिसकी वजह से आवाज़ आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं। तो फटाफट से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब तक मैं टीवी को ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो अच्छा लगे या आपका काम हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ तब तक। टीवी ऑटोमेटिक ऑन हुई है, इसका मतलब कि इसमें अपना कोई नॉर्मल किट लग चुका है, मतलब कंपनी का किट इसमें नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आइए देखते हैं। तो मेरा गेस बिल्कुल सही रहा, इसमें अपना कंपनी का किट नहीं है, नॉर्मल किट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का अगर होता तो इसको बिना रिमोट से या स्विच से ऑन किए ऑन नहीं होती। तो हमने टीवी को फिर से लगा दिया है पावर में, और पावर में लगाने के बाद अब हमको चेक करना पड़ेगा इसका सप्लाई। ठीक है, टीवी ऑन है, जिस तरीके से सीरीज बल्ब जल रहा था उस तरीके से जलने लगा है, लेकिन आगे ब्लू स्क्रीन नहीं आया होगा, देख सकते हैं। तो ब्लू स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मीटर का एक वायर, ये ब्लैक वायर जो है पिक्चर ट्यूब की ग्राउंड पर, ये पूरी वायर जो है ग्रीन वाली, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ग्राउंड होती है। अब हमको 180 और 110, सबसे पहले 110 चेक करना है। 110 की सप्लाई के लिए देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है मोटा वाला, ये मोटा तगड़ा जो दिख रहा है, यहाँ पर ये 110 की सप्लाई के लिए है। तो यहाँ पर हमको 35 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। उसके दूसरी साइड देखते हैं, तो दूसरी साइड में ये देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब कि या तो ये रेजिस्टेंस खराब हो गया है, या तो ये अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब है। ठीक है, तो चेक करते हैं, यहाँ पर ये 35 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पर ये 35 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर चेक करके, और हम क्योंकि दोस्तों अगर ये शॉर्ट होता तो बिल्कुल सप्लाई नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कुछ सप्लाई बन रही है। और चेक करते हैं रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है, तो इतना तेज हीट हो रहा है कि मेरी उंगली जल गई, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ओवर हीटिंग है, ट्रांजिस्टर नहीं रेजिस्टेंस। यहाँ से मैं इसको निकाल रहा हूँ वायर को, पीसीबी को पलटने के लिए, और ये पीसीबी की ये कुछ हालत इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब हम आइए अपना अर्थ का वायर निकालते हैं यहाँ से, और मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखते हैं इस तरीके से। कंटिन्यूटी रेंज है, ठीक है, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 400 की रीडिंग तो आ रही है, 400 साढ़े 400, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है दोस्तों। तो एक काम करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपना शॉर्ट हमको
नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 2.2 ओम, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टेंस लगा था काफी ज्यादा वैल्यू का लगा है, तो देखने में ही लग रहा है, तो यहाँ पर 1 ओम या 2.2 ओम, इससे अधिक नहीं, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो अपने पास ये एक 1 ओम का 2 वाट में रेजिस्टेंस रहा, भूरा काला गोल्ड गोल्ड, ठीक है। कल रिकॉर्डिंग इसकी रही। ये मैंने पीछे से इसको लगाया है क्योंकि ये चेक करना है अपने को अभी, ठीक है। अभी चेक हो जाए उसके बाद ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हुआ। पीसीबी को हल्का सा ऐसे ही सपोर्ट देंगे क्योंकि नीचे रेजिस्टेंस हमने अभी उल्टा लगाया, टूटने ना पाए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रख देते हैं, रख दिया। ज़्यादा इस पर अभी कुछ नहीं मतलब करेंगे, हाथ वगैरह नहीं रखना है। फिर से मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे रख के ग्राउंड को हमने फिर से कनेक्ट कर दिया है अपने पिक्चर ट्यूब पे, जहाँ पहले किया हुआ था। और अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको दूर से दिख जाए सब कुछ, और क्योंकि मुझे दोनों हाथों का प्रयोग है, तो एक वायर से मैं अपना ये लगा रहा हूँ पावर, और दूसरे हाथ से ये मीटर का वायर, ठीक है। पावर लगा दिया तो यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई अपनी पूरी बन चुकी है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए पिक्चर आ चुका है, मतलब ये दोस्तों सीरीज अभी देखिए ओवर हो गया, लोड पड़ा है ना, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है सीरीज अल्ट्रा, इसलिए मैं दोस्तों लोड तो लेगा ही। अब पिक्चर आप देखिए आ चुका है, और ट्रांजिस्टर देख लेते हैं कहीं ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर चला, जरा सा भी हीटिंग नहीं है, थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंड ही चला है, अभी ज्यादा नहीं चला है। तो सबसे पहला काम कि इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ओपन हो गया, इसलिए ज्यादा हीट भी हो रहा है। तो यहाँ से इन भाई साहब को निकाल लेते हैं। ये रेजिस्टेंस देखिए हीट नहीं हुआ है जरा सा भी, वो वाला इतनी देर में काफी ज्यादा हीट हो गया था, ये नहीं हीट है, मतलब उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है दोस्तों, रेजिस्टेंस ओम बढ़ गया उसका, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ ये कितने ओम का हो गया है रेजिस्टेंस अपना पुराना वाला। तो यहाँ से दोस्तों ये मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, और इसकी वैल्यू अगर मैं आपको चेक कराने दूँ तो चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना वैल्यू इसका हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको 2000 की रेंज में रख रहे हैं, 2000 ओम्स की रीडिंग में। तो देखिएगा कितना है इसका, ये एक वायर यहाँ पे लगाया, दूसरा वायर यहाँ पे 400, रुको यार अच्छे से पकड़ते हैं, दबाते हैं, 450 की रीडिंग दोस्तों ये जा रहा है। हाँ 400, 410 ओम की रीडिंग है गया, मतलब ये ओपन हो गया दोस्तों, मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। तो इसकी जगह पे अपना ये 1 ओम का हम लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रंगा हमको क्लियर करना होगा, क्योंकि इसका होल नहीं क्लियर करेंगे तो रेजिस्टेंस लगेगा कैसे, ठीक। एक होल क्लियर हुआ, ठीक है, ये होल क्लियर है। पीछे से ही उसको हम नाप लेते हैं साइज रेजिस्टेंस का वायर, ताकि आराम से इसमें चला जाए। पिन को मैं सीधा कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं कैमरा इस तरफ कर देता हूँ और ताकि दिखे जो मैं कर रहा हूँ इधर भी। ये देखिए इस तरीके से ये होल में लग जाएगा। अब इसको निकालते हैं, ट्रैक खुल रहा है, काफी हिट हुआ दोस्तों, ट्रैक तो उखड़ेगा ही। मैं जल गया दोस्तों, मेरी उंगली बच गई, काफी ज्यादा हीट था, मैंने उसी पे उंगली रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का दोनों वायर आ चुका है पीछे पीसीबी साइड, तो इसको सोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि अपनी टीवी ऑन हो ही चुकी है, शॉर्टिंग भी नहीं है,
ने चेक कर लिया है, बस ये रेजिस्टेंस हीट होकर ख़राब हो गया है। और यहाँ पर हम ये सभी वायर लगा लेते हैं और ये पीटीसी का वायर टूट गया था, इसको भी लगा लेते हैं। एक बार पहले से ही टूटा था क्योंकि जब हमने सीरीज में लगाया तब ये सीरीज का लोड पूरा नहीं आया था, नहीं तो कुछ देर जलता फिर बंद होता, आप सब जानते होंगे। अगर तो अब हम लगाएंगे पावर तो आप देखिएगा, तो पहले कुछ देर जलेगा सीरीज बल्ब, उसके बाद ये भी ऑन होगी। आपको दिखाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे तो कलर एडजस्टिंग के लिए दोस्तों ये लिया गया है। सोल्ड थोड़ा सा अंदर है, दिक्कत हो रहा है। चलिए हो गया सोल्डिंग, अब पीसीबी को थोड़ा सा अंदर करते हैं, वायर देख लेते हैं। यहाँ पर ये बजा हुआ है, ठीक है। पीसीबी अंदर जा चुकी है और बैक साइड से हम अपना लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं सीरीज में, अब सीरीज जलता है या नहीं। सीरीज जलना चाहिए, 200 वाट का सीरीज बल्ब, फिर भी देखिए जला, कुछ देर जलेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब टीवी ऑन होगी, फिर से सीरीज बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग लेगा, ये धीरे धीरे जलना शुरू होगा, तो अभी तक तो स्टार्टिंग नहीं आई है इसकी। कुछ कहें दोस्तों, ऐसा ना हो कुछ छोड़ा हो, चेक कर लेते हैं 1 टेराई सप्लाई, कहीं अपने ब्रेक तो नहीं, कहीं पर रेजिस्टेंस लगाने में ट्रैक हिल रहा था, कहीं टूट तो नहीं गया, देख लेते हैं। सोचते बीच में कस्टमर आ गया, थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो 110 की सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पर योग अपने बेस पर, तो यहाँ पर नहीं मिला। ओह, ये देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस तो निकल गया बाहर। हमको लगता है हमने जब चेक किया तो रेजिस्टेंस किसी तरीके से बाहर निकल गया। चलिए जोड़ लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट पिक्चर लगा के दिखाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने जोड़ लिया है, अब हम फिर से लगाएंगे पावर में। तो सीरीज बल्ब देखिए एक बार पीटीसी जल चुका था, इसलिए अब डायरेक्ट टीवी ऑन हुई है। पिक्चर आ चुका होगा, आने ही वाला है लगता है, आ गया, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं इसका बैक साइड से हम बॉडी, क्योंकि बॉडी में ही दोस्तों इसका जैक दिया गया है, तभी तो ऑडियो वीडियो का लीड लगा के हम आपको पिक्चर दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बॉडी लगा लिया है, पिक्चर लगाते हैं फटाक से। ऑडियो वीडियो का लीड भी लग गया अपना, तो आप देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपना आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।